जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाजिया बता रहे। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस एंड हर्ब्स का बिजनेस करती हूँ ग्रेनियस किचन के नाम से। दी ट्रस्ट स्कूल में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने यहाँ पर भी ये बात बोली थी कि जब हम कहीं जाते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि हम अपनी जो सक्सेस है या अपनी जो गुड पॉइंट्स हैं अपनी पर्सनैलिटी के या बिज़नेस के, वो हम बताएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने स्कूल देखा, मैं एंटर हुई और मैंने स्कूल देखा, मेरा सबसे पहला इख्तलाफ यहाँ पर आजकल लोगों से ही होता है जो लोग भी स्कूल सिस्टम चला रहे होते हैं, कि आप प्रॉपर बिल्डिंग नहीं दे रहे होते। एग्री पॉइंट। अच्छा, उसके बाद हमें लगता है हम छोटे छोटे बंद कमरों में बच्चों को स्कूल की तालीम देंगे और वो उनके लिए काफ़ी है। नहीं, उनका जहन भी छोटा रह जाता है। तो मैं सबसे पहले तो आकर यहाँ मैंने इंजॉय किया जितनी देर मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, कि इतनी खूबसूरत और इतनी वेल इक्विप्ड रूम्स हैं। आप जो बच्चों को प्रॉपर रूम्स दे रहे हैं, उनको पढ़ने के दौरान उनको सही तरीके से लाइट है, पंखे हैं, बच्चे सुकून है, सुकून है, फिर आपका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है ना। उसके बाद जब आपने लर्निंग प्रोसेस कर लिया, आप बाहर जा रहे हैं, आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं खुद एक टीचर रही हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और मैं अप्रिशिएट करूँगी ट्रस्ट स्कूल की पूरी टीम को कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और लाहौर जैसे इतनी कंजस्टेड सिटी में इतना बड़ा खुला स्कूल, मैंने उसको रियली में आई इतना बड़ा खुला स्कूल, आई वाज स्माइलिंग ऑल द वे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि और लोगों को भी इस तरह के काम करने चाहिए। अगर वो खुद से नहीं इंडिविजुअल कर सकते तो सर्व करें द ट्रस्ट स्कूल को। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ेबा। अच्छा ज़ेबा, द ट्रस्ट स्कूल में आके कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। मैं तो एक्चुअली इस जगह पे बहुत अरसे से आ रही हूँ, जब ये सारा ताहिर ने शुरू किया था, और तब से मेरा यहाँ पे आने का सिलसिला है। और मैंने स्कूल को प्रोग्रेस होते देखा है और इनके बच्चों का जो एजुकेशन लेवल है बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा है। बल्कि एक टाइम पे तो मुझे लगता था कि मेरे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और उनकी एजुकेशन और यहाँ पे जो एजुकेशन मिल रही थी बच्चों को, वो मुझे ऑलमोस्ट एट पार लगती थी। wow. तो मैं इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हुई थी। और ये चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहती हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम है इनके। अच्छा, आज अलुमनाई थी और अफ्तार पार्टी भी थी, तो क्या कहेंगी? बहुत बहुत अच्छा जेस्चर है कि यहाँ पे बच्चे इकट्ठे हुए हैं और आपस में मिले हुए हैं। और पता, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी उसी एलुमनाई में दोबारा वापस आते हो तो आपकी अपनी पुरानी मेमोरीज आ जाती हैं, दोस्त मिलते हैं, यादें ताज़ा हो जाती हैं, यादें ताज़ा होती हैं। क्योंकि देखिए, जब आपकी स्कूलिंग अच्छी होती है तो फिर आगे आपके जो होते हैं ना प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प होता है। तो ये जो होते हैं ना बुनियाद पक्की हो तो फिर ऊपर बिल्डिंग जो है ना बहुत प्यारी बनती है, फिर वो बिल्डिंग हिलती नहीं है। तो डेफिनेटली आई थिंक सायरा ताहिर हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब विद द ट्रस्ट स्कूल सिस्टम एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नुमान, द ट्रस्ट स्कूल में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से इनके इवेंट पे जो है इन्वाइटेड होता हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। ताहिरा सायरा ताहिर साहिबा जो हैं ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रस्ट स्कूल में आके अपनाइत का एहसास होता है और हर इंसान यहाँ पे जो है वो अपनाइत की नज़र से आपको देखता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है ट्रस्ट स्कूल में आके। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो इदारे हैं, गवर्नमेंट को भी उनको चाहिए कि वो सपोर्ट करें और हाईलाइट करें कि लाहौर जैसे खूबसूरत शहर में इस तरह के इदारे हमारी बका के लिए, हमारी जो है एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, अवेयरनेस के लिए काम करें। तो मैं ऐसे इदारों को सलाम पेश करता हूँ। आज अलुमनाई थी और इफ्तार पार्टी भी थी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में एनुअली इफ्तार पार्टी थी आज, जो ये अलुमनाई भी जो है अरेंज किया गया है। और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि बड़ा यादगार है उन लोगों के लिए जो यहाँ से फारिगुल तहसील होके जा रहे हैं और जो इस इदारे में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये हर लम्हा जो है वो ट्रस्ट स्कूल में यादगार है। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और ऐसी यादगारें हमें मनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी हमारे साथ सारा ताहिर मौजूद हैं जो कि फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट स्कूल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। आप लोग आए और इतना टाइम स्पेयर किया, वरना सोशल कॉज के लिए आजकल मीडिया ज़रा पीछे पीछे रहते, बिल्कुल सही कह रही हूँ, खबरों के पीछे रहता है और अपने वो करता है, लेकिन आप एक पॉजिटिव काम के लिए आई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। क्या करें, सियासी हालात इतने गर्म रहते हैं, उसको भी तो देखना पड़ता है। देखिए ये तो उतार चढ़ाव चढ़ता रहेगा, हमारी नस्ल ख़त्म हो रही है और हमने इतना वर्स्ट कभी भी नहीं देखा था, लेकिन बहरहाल ये भी वक्त गुजर जाएगा। तो हमें चाहिए कि उस दौरान में अपने फ़राइज़ को मत भूलें और अपने मुल्क और उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। अच्छा सायरा, द ट्रस्ट स्कूल जब आपने स्टार्ट किया कैसा लगा? जी तब यकीन करें कि ख्वाब था कि हम
हमारा ये था कि हमने ये बच्चों के लिए शुरू करना है, वो बच्चे जो बहुत ज़हीन हैं लेकिन उनके पास, उनके वालदैन के पास वसाइल नहीं है, तो वो थोड़े से, हमने भी थोड़े से वसाइल से शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 10,000 बच्चे हैं। और आज आपने एलुमनाई देखा कि बच्चियाँ वो पढ़ पढ़ के किन किन मकामात पे पहुँच गई हैं और जा रही हैं, ऑन द वे हैं, तो ये अचीवमेंट है और बहुत खुशी हो रही है। अफसोस इस बात का कि हम बाकी वक्त और बाकी वसाइल भी तालीम और तरबियत में लगा दें। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़, ये जैसे अभी आपने बात की कि सियासी हालात इन चीज़ों के, ये वो किसी ने खूब कहा था कि जैसे किसी बाज़ार में शरे शाम बाज़ार गर्म होता है और ग्राहक आते हैं, इसी तरह सरे शाम टॉक शोज़ होते हैं और इतने व्यूज़ बढ़ते हैं, तो प्लीज़ इनका बॉयकॉट कीजिए। और हर कोई, एक हर चैनल का फ़र्ज़ है कि वो रोज़ 15 से 20 मिनट सिर्फ पॉजिटिव पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान दिखाए। तो एग्री विद यू, अगर ये सब हो जाए तो इंशाल्लाह हमारी नई जनरेशन जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो भी काम डाउन होगी और अपने मेंटली जो है रिलैक्स हो जाएंगे लोग। और अपने यहाँ पे तो इतनी परेशानियाँ हो जाती हैं कि न्यूज़ देखते इंसान कहता है बस जी पाकिस्तान डूबने वाला है। हाँ एग्जैक्टली, और जब बाज़ारों में जाओ कहते हैं महंगाई ने मार दिया, आप अभी MM आलम रोड पे चले जाएँ, लिबर्टी चले जाएँ, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। ब्रांड्स के ऊपर ऐसे है कि जैसे आज का दिन ख़त्म है ब्रांड, यहाँ तक कि इफ्तार पार्टी के लिए रेस्टोरेंट का टेबल बुक नहीं होता। जी एग्जैक्टली, और आपने हमारे मुस्लिमीन को देखा होगा वक्त इफ्तार, वो लगता है कि जिहाद पर निकले हुए, मार डालेंगे, उड़ा देंगे, क्योंकि हम 2 मिनट पहले इफ्तार पे घर ना पहुँचे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये सारा एक मुकम्मल मुआशरे को दर्स देने का है। और मैं आप लोगों के वसातत से सबसे कहूँगी कि प्लीज़ पैट्रियट बने, पाकिस्तान का रोशन और पॉजिटिव पहलू दिखाएं और इसके लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेज इस्मत अमाद। इस्मत अमाद क्या करती हैं आप? जी मैं प्रिंसिपल हूँ वाबडा टाउन दिट्रा स्कूल वाबडा टाउन ब्रांच की। अच्छा, वाबडा टाउन ब्रांच की आप प्रिंसिपल हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं कि प्रिंसिपल सब किस्म की प्रिंसिपल है या फिर अप्लाइड? द प्रिंसिपल इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो इसको आप सख्त नहीं कह सकते। हाँ, मेरे लिए कहा यही जाता है कि मैं असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। असूलों पर कॉम्प्रोमाइज, जो असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता वो मतलब स्ट्रिक्ट होता है? नहीं, वेल यू आर लविंग, दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और आप मैन ऑफ प्रिंसिपल हो ये दूसरी बात है। मीन्स कि आपके कहीं तो आपको अपने कवानीन को अबाइड बाई करना है ना, तो उसको तो मैं ज़रूर अबाइड बाई करती हूँ, बट अदरवाइज आई एम वेरी लविंग टू ऑल। अच्छा, कितना अर्सा हुआ है आपको दिस ट्रस्ट स्कूल के साथ काम करते हुए? एजुकेशनल फील्ड में तो 1991 से मैं हूँ और ट्रस्ट में लास्ट 7 ईयर्स से हूँ। 7 ईयर्स कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रस्ट के साथ? बहुत अच्छा। एक रूहानी एक सफ़र लगता है कि उसके साथ चल रहा होता है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रो कर रहे होते हो और लगता है कि आप सोसाइटी को कुछ पे बैक भी कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पर हम उन बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, लेकिन जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, जो उनके स्किल्स हैं, वो बहुत उसमें शार्प होते हैं। मीन्स कि अंडर प्रिविलेज क्लास होती है लेकिन मेरिटोरियस होते हैं, बच्चे बहुत लाइक होते हैं, तो हम उन्हें पढ़ाते हैं। अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या शेयर करना चाहेंगे? मेरा तो हर ज़िंदगी का हर रोज़ एक यादगार वाक़े के साथ शुरू होता है, ख़त्म होता है, बिकॉज मैं उन बच्चों के साथ डील करती हूँ जो फर्स्ट डे अपने स्कूल में एंटर होते हैं। ओह माय गॉड, वो इन एलुमनाई की तरह स्कूल से पास आउट होके ग्रेजुएट होके निकलते हैं, तो मेरे लिए तो एवरी डे इज़ अ वेरी मेमोरेबल एंड स्पेशल डे, बिकॉज वो उनकी ज़िंदगी का पूरा एक चैप्टर लिख रहा होता है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा हुआ जो कहता है कि मैं स्कूल क्यों आ गया? अक्सर फर्स्ट डे जो है ना बच्चों के लिए बहुत जो है ना मुश्किल डे होता है, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, मोहब्बत सब पहचानते हैं और उसकी अपनी एक ज़ुबान होती है, ना वो पश्तो ना वो कोई सिराई की कुछ नहीं, वो अपनी एक ज़ुबान रखता है और छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा मोहब्बत को पहचानता है। जब बच्चे मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं प्ले ग्रुप में, तो वो तो मुझे जवाब देने को तैयार नहीं होते, दे आर ऑलवेज बिहाइंड द पेरेंट्स शर्ट पकड़ के बात करने को तैयार नहीं होते, लेकिन वही बच्चे फिर मेरे प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को, और प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप में ही वो स्टेज पर आके परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो मुझे वो लगता है वो मेरी सक्सेस है। इस वक्त में भी मेरे पास इस वक्त में जो D2 का पास आउट बैच है उसमें ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जिन्होंने हमारे पास तालीम हासिल की, लेकिन वो बच्चे इस वक्त में डॉक्टर्स बन रहे हैं। एक बच्ची कजाकिस्तान में इस वक्त में वो कर रही है मेडिसिन पढ़ रही है, कर रही है डॉक्टर बन रही है। फिर बच्ची हमारी फौज में चली गई है, वो एज कैडेट चली गई। लाइफ अचीवमेंट है आपके लिए? तो मेरे लिए है, मेरे लिए है। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मिनट। वो जब बच्चे आके चिपक जाते हैं और मदर को छोड़ के आके कहते हैं कि मेरी मैडम है, तो मेरे लिए बड़ी सक्सेस होती है कि माँ को छोड़ के अब मेरी तरफ आ रहे हैं।
थैंक यू वेमन जी, थैंक यू, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।